विदिशा जिले के ग्यारसपुर में सड़कों पर बैठी गायों को कांग्रेस के लोगों ने घेर कर जनपद पंचायत परिसर में एकत्रित कर दिया। यहां पर उनको चारा भूसा खिलाकर जमकर नारेबाजी की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गौशाला बनाने के उद्देश्य से भटकी प्रदेश की भाजपा सरकार को गोवंश की सुरक्षा, चारा भूसा के इंतजाम किए जाने की और गौशाला में गाय भेजने की मांग की, जिसमें कांग्रेस की टीम के द्वारा चार भागों में विभाजित होकर सड़कों पर बैठी गायों को घेर कर जनपद परिसर में लाया गया। ज्ञापन देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सड़कों पर भटकती, बेजुबान, बेबस, लाचार, भूख से तड़पती गौ माता को पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराकर गौवंश को आश्रय दिया था। विदिशा ग्यारसपुर से आशीष सेले की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।